बस हमारा है बीएम साहा हॉस्पिटल के पास, और ऑलरेडी दादा लोग भिलाई में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं धीरे धीरे। और करीबन 70-80 लोगों का कैपेसिटी का। और अभी ये देखिए पहला अभी और बचा है कटने के लिए, ये हमारा काउंसलिंग रूम है, और काउंसलिंग रूम में अभी काउंसलिंग रूम है जहाँ पर हम लोग इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, फॉलोअप होगा, डीडी का प्रसाद होगा, लाइन लगेगा, गर्दा उड़ेगा, ठीक है। दादा तो ये देखे हैं, ये फर्स्ट काउंसलिंग रूम। अब दूसरा हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीडर रूम पे हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही देख सकते हैं हमारे पूरा स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट, स्मार्ट वैल्यू आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है। ओके तो ये तीसरी जगह कॉन्फ्रेंस रूम, ये कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त कॉन्फ्रेंस टाइप का ये है, और बहुत ही जबरदस्त भिलाई में पूरा गर्दा उचेगा, पूरा बवाल होगा। देख सकते हैं इतना जबरदस्त शानदार की तरीके से पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा लीड हो। ये हमारे एपीएल के ट्रेनिंग हेड है, ये सीला मैडम है, सिंचल है ना, सर है ये, और झा सर है, देख सकते हैं। और
तो दादा मैं कुछ नहीं दादा ये है सभी लोग यहाँ पर हमारा ये कहना चाहिए हॉल है और पूरा एसोसिएट लोग पूरा खचाखच बैठ गए हैं पूरा धमाका मचाने के लिए। तो धमाका मचेगा पूरा दम पूरा बवाल करने वाले हैं। ये ट्रेलर है पिक्चर अभी लोग बाकी करने वाले हैं और मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा और दादा थोड़ा सा जरूर मैसेज देंगे जो लोग नहीं आ पाए हैं है कि ना। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दादा जो भिलाई ऑफिस के लिए? आज ये भिलाई ऑफिस का ओपनिंग हो गया, बहुत ही शानदार ऑफिस है। पूरा छत्तीसगढ़ का लीडर को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है, जिसका भी जहाँ भी रेफरेंस है भिलाई का जी, कि सभी का टीम का कोई ना कोई बंदा हो सकता है भिलाई का, उसका रिश्तेदार है। आप लोग यहाँ पर आओ, सब लोग एंजॉय करो। हाँ, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, प्लान शो का रूम है, बड़ा हॉल है प्लान शो करने के लिए, हाँ सब कुछ मिला हुआ है और एकदम धमाका करना है। आज हम लोग का चार चार ऑफिस ओपनिंग का प्लानिंग है, उसका सबसे पहला ऑफिस हम लोग भिलाई से शुरू किए हैं और इस साल का क्लोजिंग हम लोग धमाका से करेंगे और अगला साल तो पूरा ब्लास्टिंग बिजनेस होगा। आज मैं सारे लोगों को बोलूंगा भिलाई में आज से करीब करीब बहुत सारे एसोसिएट यहाँ पर आए हैं और हम लोगों का एक ड्रीम था कि ऐसा ऑफिस हो और आज यदि बोला जाए तो दादा के चरण कर्मों से हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं और आज ऑफिस को देखिए और हमारे पूरे एसोसिएट का जोश और जुनून देखिए। मैं एक ही चीज बोलूंगा, इस ऑफिस से हम लोगों को 300 डिग्री मारना है। वाह जियो जियो। उमेश सर आप भी कुछ मैसेज देंगे? गुड इवनिंग ऑल लीडर्स एसोसिएट, आज भिलाई में बहुत शानदार ऑफिस का ओपनिंग है, पर मैं आप सभी लोगों छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये पहला है, तीन अभी और बाकी है अभी जाएंगे लाइन। यस, राजनांदगांव में है, डोंगरगांव में है, छुड़िया में है, तो इस तरीके से धमाका सभी जगह पे हो रहा है। अब भिलाई में धमाका करना है और जितने भी छत्तीसगढ़ के हमारे लीडर्स है एसोसिएट है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, मेरे भिलाई में आओ, दम है तो करके दिखाओ, क्योंकि यहाँ से 300 डिग्री सीनियर बोल दिए मेरे बिजनेस का गुरु, तो 300 डिग्री जाएगा, मतलब जाएगा। 12 साल पहले ऑलरेडी 150-200 डिग्री यहाँ से भिलाई से आप लोगों ने भेज चुके हैं और यहाँ से 300 डिग्री जाएगा। और मैं आपको बता दूं अगला साल 2023 अप्रैल में यहीं से 10 कार अचीवर हम लोग निकाल करके रहे। और आप देख सकते हैं हमारे एक और सीनियर बैठे हैं, मिसेस शीला देवी मैडम। बहुत ही जबरदस्त और ओपनिंग हो रहा है और आज हमारे सारे गुरु लोग यहाँ पे हैं, सुजादा है, झा सर है, उमेश सर है, सारे लीडर्स हैं। मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगी, इतना जबरदस्त ऑफिसर हमारे बिजनेस ग्रुप बोल ही दिया है कि 300 डिग्री मारेंगे, इस ऑफिस 300 डिग्री मारेंगे, इसमें से आपको देखना है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, वो आपको देखना है। तो आप लोग भी आइए और धमाका करिए, देख सकते हैं। ओके वंडरफुल, तो देख सकते हैं हमारे ब्रांच मैनेजर भी बैठे हैं, सर कुछ बोलना है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आज फिर से एक और नया ऑफिस ओपनिंग करने का बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। जस्ट एक महीने पहले हम लोगों ने ब्रांच ऑफिस ओपन किया, वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही ये वाला ब्रांच आप लोग का जो लीडर्स ऑफिस है ये भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आइए लीडर्स ऑफिस में आइए, यहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए, प्लान शो कीजिए, ब्रांच ऑफिस में आइए, ब्रांच ऑफिस विजिट करिए और देखिए कि हमारी स्मार्ट वैली दिन प्रतिदिन कैसे आगे बढ़ते जा रही है, कैसे हम डे बाय डे एक एक नई नई चीजें अचीव करते जा रहे हैं और कैसे यहाँ पे सारे एसोसिएट्स और सारे लीडर्स एवरीथिंग जो भी उनकी लाइफ में डिजायर्स है वो गोल अचीव करते जा रहे हैं। तो इसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को, ऑल द बेस्ट। ओके हमारे एपीएल है, ये स्मार्ट वैली एपीएल सर है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं बस इतना कहना चाहूंगा अभी तक भिलाई सिर्फ भिलाई स्ट्रीट प्लांट के नाम से जाना जाता था, अब भिलाई जाना जाएगा स्मार्ट वैली के नाम से। देख सकते हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में हम लोग आए हुए हैं भिलाई गुरुकुल ओपनिंग में आए हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल आज हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, बहुत ही जानदार शानदार जोरों शोरों से
और ये शुरुआत है, अभी यहाँ पे ब्लास्टिंग बिजनेस करना बाकी है, और जहाँ पे हमारे गुरुजन का कदम अगर पड़ गया है तो यहाँ तो अब धमाका ही होगा। और बहुत अच्छी बात है कि भिलाई से बिजनेस ग्रो अप करेंगे और स्मार्ट ओलू का झंडा भिलाई में भी लहराएंगे। स्मार्ट ओलू नंबर वन। ओके, धमाका। ओके हेलो एवरीवन, और अभी हम लोग हैं भिलाई का गुरुकुल ऑफिस में, और अभी इनॉग्रेशन हुआ है, फीता कट गया है धमाका मचाने के लिए, और हमारे गुरु लोग ऑलरेडी आए हैं सूर्यादा, और जहां सूर्यादा का कदम पड़ता है वहां बिजनेस का भूचाल आता है। और मेरे को आज भी पता है, 2-3 साल पहले दुर्ग में ऐसी गुरुकुल का ओपनिंग हुआ था, पूरा भूचाल आया। अब भिलाई में भी भूचाल आने वाला है, जम के कीजिए, मेहनत कीजिए, देखते हैं कौन किसमें है दम और कौन बनेगा बाजीराव। पूरा सिंगम बनना है, सभी भिलाई टीम वाले को मैं यही सूचित करना चाहता हूँ, पूरा गर्दा उड़ा दीजिए, पूरा धमाका करना है, हर हर स्मार्ट वेलो, घर घर स्मार्ट वेलो, जय हो स्मार्ट वेलो। अब हम लोग चलते हैं भिलाई टीम का ऑफिस में, और पूजा के लिए जहां पर हमारे गणेश जी ऑलरेडी विराजमान है, और दादा अपने हाथों से जहां पर गणेश जी है, सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है, और तीनों के बगैर हम लोग अधूरे हैं। और झा सर द्वारा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लक्ष्मी गणेश होता है ना। अच्छा, लक्ष्मी गणेश सरस्वती। जय नकी, जय गणेश मैया की, जय जय स्मार्ट वेल्लू की। दादा पूजा कर रहे हैं। दादा ऐसा मंत्र मारे, ऐसा मंत्र मारे कि भिलाई टीम से पूरा 300 डीडी का भूचाल आए, और हमारे सुसेट लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, कैची देना तो अंजलि। ये कहाँ है जी, चल कहाँ जल तो जो यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल बनता है, कोई भी आएगा करेगा या कुछ भी, तो इस ऑफिस का जो जिम्मेदारी है, जैसे मुझे भी आना रहेगा तो मैं इन दोनों में से किसी को मैं कॉन्टेक्ट करूँगा, हम किसी को भी आना रहेगा तो मैडम है ना सादा से होंगे, कोई कुछ बोलता होगा तो दादा सही बोलता।
Yes or no? Yes. और उसी को हमारा लीडर तालमेल तालमेल करते 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 आपको टॉप टू बटन पे लेके चला जाता है। तो अपने बिलीव को कम मत करिए, अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करिए, वही जोश वही जुनून के साथ आप काम शुरू करिए। आज जब मैं बन सकता हूँ, जब उमेश साहू बन सकता है, जब शीला मैडम बन सकता है, वुमन बन सकता है, धनु जी बन सकता है, यहाँ पर आपका शिवनंदी है, शिवनंदी बन सकता है, ऐसे बहुत ऐसे लीडर हैं जहाँ जो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। और भिलाई एक ऐसा जगह है क्योंकि ये हम लोग भले हम काम स्टैंडर्ड फैमिली वाले रहते हैं और हमारा सबसे अच्छा जो चीज मिलने वाला है भिलाई से वो है क्वालिटी लीडर। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग जो लोग हैं आप ही लोग में से बहुत सारे लीडर्स हैं बन के आएंगे। जैसे हम लोग टारगेट किए हैं कि अगला साल का क्लोजिंग के बाद कम से कम 10 कार भिलाई से निकाले। आप लोग का टारगेट बहुत सिंपल है, मिनिमम 20 साल में आप लोग चाहे सुपर स्मार्ट कंप्लीट करो चाहे सिल्वर कंप्लीट करो पर अगला साल मिनिमम गोल्ड लेवल पास करना। गोल्ड पास करने का बाद ही अपना कार आने का जगह मिलता है, सही है। अभी इसी टूर में हम लोग का चार चार ऑफिस ओपनिंग होने का साथ साथ दो दो कार आने का भी बात चल रहा है। कल ही एक कार यहाँ पर आने वाला है, एक दिन बाद 11 तारीख को फिर से एक कार रायपुर में आने वाले है। तो स्मार्ट वैल्यू 21 साल हो गया है, 22 साल चल रहा है और मेरा भी 20 साल हो गया अभी जनवरी महीना में है, मेरा 20 साल कंप्लीट हुआ 20 इयर्स। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आज से 26 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग करके निकला। निकलने के बाद हम सभी दोस्तों सब अपना अपना काम पे लग गए थे और अच्छा अच्छा पोस्ट पे सब नौकरी कर रहे थे, मगर उस सिचुएशन से 6 साल में मैं शिफ्ट करके स्मार्ट वन में आया और पिछले 20 साल इसी स्मार्ट वन में टिका रहा है। आज एक चीज बोल सकता हूं, मेरा बाकी जो दोस्त अभी भी नौकरी कर रहे हैं उनसे कहीं आगे मैं पहुंच गया क्योंकि मैं डायरेक्ट मार्केट में। वाह, ये बेस्ट प्रोफेशन जो आप लोग को मिल रहा है, एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट वन जो आप लोग को मिल रहा है। आप लोग को पता होगा या नहीं पता हो सकता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का पहले कोई रूल नहीं था। 2017 में पहली बार एक रूल है, ऐसा ऐसा गाइडलाइंस है और अभी दिसंबर महीना में उसका लॉ बन गया। तो डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोफेशन को इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपना हिसाब से फ्यूचर ऑफ इंडिया सोच रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकते, सही ना। और सेल्फ डेवलपमेंट करने का जितना मौका डायरेक्ट मार्केटिंग का बंदा को मिलता है वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। ये रियलिटी है, तो बेस्ट करियर में आप लोग हैं और इस ऑफिस को उसी हिसाब से यूज करो कि यहाँ से आने वाला दिन में 10 कार में फ्यूचर का हमको डायमंड चाहिए, इसी जगह से चाहिए। ये फोकस लेके चलो, इस टारगेट लेके चलो और ऑफिस का एक अपना मर्यादा होता है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद, सही ना। जैसे मैं इसमें बहुत अच्छा बोला क्योंकि ये आप ही का मंदिर है, जिसको गंदा करोगे तो आप ही को खराब लगेगा, सही ना। तो जब हम लोग जा रहे आ रहे साफ सफाई इस चीज को देखो और सब अपना मान के चलो, ऐसा नहीं कि भाई जब दोनों पे दाम बोल दिया गया ना तो सफाई वही करेगा, ऐसा नहीं है, अपना मान के चलो, ऐसा ही होता है। दूल्हे सर को बोला गया ना तो दूल्हे सर का ही काम है सफाई करना, ऐसा नहीं है, अपना मान। आप अपना घर को सफाई रखते हैं ना, क्लीन रखते हैं ना, थोड़ा अपने से रखो क्योंकि आप ही लोग इसको यूज करोगे। और एक चीज ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोचो आप लोग भिलाई वाले हैं तो सिर्फ आप ही लोग यूज करो, बाहर से भी बहुत सारे टीम आए। हाँ, आप लोग भिलाई वाले थे, आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर रहे थे मगर अभी पूरा छत्तीसगढ़ का बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए थे, सब लोग मिलकर काम करना है और सभी लोग अपना अपना पोजिशन अपने हिसाब से बनाए क्योंकि आज अब क्या है मैटर नहीं करता, मैटर करता कल अब कहाँ जाने का। अगर आपका फोकस ठीक है, आपका टारगेट ठीक है तो हमारा लीडरशिप आपको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से रेडी। अभी ऑलरेडी हम लोग का प्लानिंग हो रहा था, हमारा कोर कमेटी का उस दिन मीटिंग हो रहा था,
हम लोग इस बार प्लानिंग कर रहे हैं कि एफएलडीसी प्रोग्राम, यहाँ से कुछ कुछ लोग जो लोग पुराने लोग गए होंगे एफएलडीसी में, जो हम लोग फाइव स्टार होटल में करते हैं, इस बार का एफएलडीसी प्रोग्राम हम लोग कलकत्ता का फाइव स्टार में करते हैं।